ग्रीटिंग टू ऑल प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आप सबका वाइस एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी फर्स्ट यूनिट केमिकल रिएक्शंस एंड रिएक्शंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक इस लेक्चर में कवर करेंगे, जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या नाम है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपको 100% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या होता है? यहां से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो बच्चों, इस टॉपिक में हमने कौन कौन से सब टॉपिक कवर किए हैं उनका एक आउटलुक ले लेते हैं। उनका क्या ले रहे हैं हम? आउटलुक। जो फर्स्ट टॉपिक कवर है इसमें, वो क्या है? रोल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। क्या है? जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसका बैलेंसिंग इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस में क्या रोल है? जो सेकंड है वो रहेगा मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस के कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। उसके बाद हम टॉपिक टॉपिक जो करेंगे अगला, वो होगा राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। क्या नाम है भाई टॉपिक का? राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। देन उसके बाद हम करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट सिंबल्स। देन नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा आपके पास, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव। देन उसके बाद जो टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा हमारे पास इंफॉर्मेशन कन्वेड बाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एंड लास्ट टॉपिक जो आज के लेक्चर का है वो होगा इंफॉर्मेशन दैट आर नॉट कन्वेड बाई केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक वाइज एकेडमी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया, वो वाइज एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लें, जिससे कि आप उनको वीडियो लेक्चर आप 2x 1.5x की स्पीड में भी देख सकते हैं, और इसके आपको नोट्स, क्विज और क्वेश्चंस भी आपको उस ऐप पर मिलेंगे। तो बच्चों, लेट अस स्टार्ट। हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि इसमें जो हम पहला क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? हम कर रहे हैं इसमें पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो रोल था कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, वो क्या है? देखो, ये जो लॉ है इसकी स्टेटमेंट क्या, ये जो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसकी स्टेटमेंट क्या बोलती है? कि नो एटम कैन बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। क्या बोल रहा है? नो एटम कैन बी मेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज में ना तो नया एटम बनेगा ना ही एटम डिस्ट्रॉय होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट, जो स्पीसीज होती हैं, स्पीसीज ऑन द रिएक्टेंट साइड, जिनको हम रिएक्टिंग स्पीसीज भी बोल देंगे, जब वो कंबाइन करेंगी, वो जब प्रोडक्ट बनाएगी, कंबाइन करके ऑब्वियसली प्रोडक्ट बनेगा, पर जो जितने एटम रिएक्टेंट साइड थे उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड भी होने चाहिए। अगर दोनों साइड एटम
बराबर है तो क्या होगा, जो मास होगा प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का वो इक्वल होगा। तो हम इस लॉ को हम इस तरह से भी स्टेटमेंट दे सकते हैं इस लॉ की, अकॉर्डिंग टू लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मास बराबर रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट। अगर नंबर ऑफ एटम बराबर है तो मास भी ऑब्वियसली बराबर होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो इस लॉ को हम समझेंगे बाय टेकिंग वन और टू एग्जांपल। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं आपके पास, हमने लिया है पहला एग्जांपल, सपोज हमने लिया जींस, क्या लिया है जींक। जींक में हमने क्या डाला है, इसके साथ हमने रिएक्ट करा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या ये HCl इज हाइड्रोक्लोरिक। जब इसको रिएक्ट करा तो क्या बना हमारे पास, ZnCl2+ हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई। क्या हुआ है, हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई, हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई है। तो इसका हम देखेंगे अब यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, हम लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन अभी हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड दैट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड वो बराबर होने चाहिए, या टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। वो तभी होगा जब नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इक्वल हो। अब एक और इसका जो है वो ध्यान रखना है कि किसी भी केमिकल चेंज में, जैसे ये केमिकल चेंज है, इसमें ना तो कोई नया एटम बना ना तो कोई एटम डिस्ट्रॉय हुआ, इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है। जैसे इसको कैसे यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए, दो दो हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने प्रोडक्ट साइड में, दो ही हैं। तो प्रोडक्ट साइड में जो Cl है वो भी दो है और H है वो भी दो है, पर रिएक्टेंट साइड में H एक है Cl एक है। तो ला क्या बोल रहा है कि नया एटम नहीं बनेगा, ये नहीं कि आप Cl2 हो गया तो एक तो जो Cl है वो नया बना है और यहाँ एक H नया बना, नया कुछ नहीं बनेगा। जो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन देखा, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एटम यहाँ पे जुड़े हैं वो कहाँ से आए हैं, रिएक्टेंट से आए हैं। तो रिएक्टेंट से कैसे पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये HCl के दो मॉलिक्यूल हो, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ पे बैलेंस हो गया ये कैसे देखेंगे, हम यहाँ पे रिएक्टेंट बोलते हैं ना इसको, ये क्या है हमारे पास रिएक्टेंट और ये क्या है प्रोडक्ट, और ये हेड जो हमेशा किसकी तरफ रहेगा, एरो का हेड, एरो का हेड हमेशा प्रोडक्ट की तरफ रहेगा। अब यहाँ पे देखो जिंक, जिंक के एटम कितने हैं, एक, हाइड्रोजन कितने हैं भाई, दो, सीएल के कितने हैं, दो, इसको पूरे को मल्टीप्लीकेशन। अब यहां पे जिंक एक, सीएल दो, हाइड्रोजन अगेन टू। अब यहां पे इसको देखते हैं, रिएक्टेंट बराबर है जेडन, जेडन एक एक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, रिएक्टेंट साइड पे दो, प्रोडक्ट साइड पे भी दो, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पे दो, प्रोडक्ट साइड पे भी दो। तो ये इक्वेशंस क्या है, ये बैलेंस होगी। तो बैलेंस कैसे करा है इसको हमने, बाई अप्लाइंग बाई फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लियर है। अब देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, सपोज यू हैव एम जी
जैसे हमने करा मैग्नीशियम रिबन जो बर्न हुआ था, O2, MgO2। अब इसने क्या दिया था हमारे पास, अगेन दोबारा हम इस लॉ को एक बार समझ लें दो एग्जांपल से इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। अब हमने देखना है इसमें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि ना तो एटम डिस्ट्रॉय होता है ना ही बनता, समझाइए बात। तो यहां देखो इसमें ऑक्सीजन के कितने हैं, रिएक्टेंट साइड पे ये रिएक्टेंट है ना, और ये प्रोडक्ट है हमारे पास। अब रिएक्टेंट साइड पे जो ऑक्सीजन है उसके कितने एटम है, दो, पर प्रोडक्ट साइड में कितना दिख रहा है हमें, एक। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एटम डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोल रहा है कि एटम डिस्ट्रॉय नहीं होगा, एटम ना तो डिस्ट्रॉय होगा ना ही नया एटम बनेगा, समझाएगी बात। तो ये इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे टू लिख दिया, तो ये एटम क्या हो गया हमने बराबर कर दिए, टू MgO। पर ऐसे लिखने से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट साइड में अब Mg कितना हो रहा है, मैग्नीशियम के एटम दो हो गए, तो यहाँ पे तो एक है, तो यहाँ पे हमने इसके आगे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दो लगा, क्लियर है। अब यहाँ पे Mg के भी कितने हो गए, दो। अब यहाँ पे Mg कितना है भाई, दो, और ऑक्सीजन भी कितना है, दो। अब यहाँ पे ये बराबर हो गए, ठीक है, ऑक्सीजन के भी बराबर और इसके बराबर, तो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी, होगी ना बैलेंस। अब बच्चों अब हम करेंगे, अब इसको और ज्यादा डिटेल में करेंगे, ये तो हमने दो एग्जांपल किसके लिए, हमने समझाया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम फॉलो करते हैं और उसी लॉ से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते। अभी हम इसमें बहुत सा दो तीन मेथड और सीखेंगे कि बैलेंस हम कैसे कर, ठीक है। अभी हम हमारे पास जो अगला सब टॉपिक आ रहा है इसी में ही, स्टेप इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, जो मेजर स्टेप है दैट आर इन्वॉल्व इन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन वो कौन कौन से, बिल्कुल आसान टॉपिक। फर्स्ट जो आ रहा है आपके पास, पहले इनको देख लें कौन कौन से हैं, राइट द केमिकल इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन है उसको हमने पहले वर्ड इक्वेशन में लिखना है, ठीक है। इसको हम स्टेप बाय समझ लें, जैसे हमने अभी करा एक रिएक्शन जिंक, तो हमने वर्ड जेड जिंक लिखना है वहां पे, ना कि जेड एन जिंक लिख दिया। जिंक की हमने रिएक्शन करी थी किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रो क्लोरिक एसिड इसके साथ हमने इसकी रिएक्शन करी, तो हमने उसको वर्ड इक्वेशन में पहले लिखना है। तो इसने क्या दिया आपके पास, यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं एरो यहां लगा रहा हूं, इसने क्या दिया आपके पास, इसने दिया आपके पास जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड दिया है और साथ में हाइड्रोजन गैस, क्या दी है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इवोल्व करी। तो ये क्या बोल रहा है कि पहले आपको क्या लिखना है, वर्ड इक्वेशन लिखनी है, राइट द केमिकल इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन, तो वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में हमने उस केमिकल इक्वेशन को लिखना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, इस वर्ड इक्वेशन को सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, यहां पे जिंक को कैसे लिखेंगे, हम सिंबल देंगे इसको Zn, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको देंगे हम सिंबल HClX। फिजिकल स्टेट चलो मैं लिख ही रहा हूं इसकी, Zn सॉलिड है, HClX सेकंड स्टेप ये।
अब क्या बोल रहा है, मेक द एटम। अब इसको सॉरी इसको हम पूरा कर लें पहले। इसने क्या बनाया हमारे पास, जिंक कलर है, ZnCl2+ हाइड्रोजन। अब ये थर्ड स्टेप में क्या बोल रहा है, जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप बोल रहा है मेक द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन इक्वल बाई सुटेबल मेथड। जो आपका सुटेबल मेथड है, कोई भी मेथड आप इसमें अप्लाई कर, उसकी हेल्प से आपने क्या करना है, इन इक्वेशंस को बैलेंस करना। तो आपने, मैं इसमें एक और तरीका बता रहा हूं तुम्हें, जो केमिकल इक्वेशन है उसमें आपने एक चीज देखनी है, आपने चाहे रिएक्टेंट है चाहे प्रोडक्ट साइड है, आपने ऐसी स्पीसीज देखनी है, ऐसा सब्सटेंस देखना है विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो जैसे इसमें क्या आ रहा है, इसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है ZnCl2। इसमें देखो इसमें क्लोरीन कितने हैं, दो। कितने हैं, दो। तो यहां क्लोरीन एक है, तो यहां मैंने दो लिख दिया। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस होगी, क्योंकि इसको दो लिखने से क्या चेंज आई है, हाइड्रोजन भी दो हो गए, हमें दो हाइड्रोजन ही चाहिए थे रिएक्टेंट साइड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम जो है वो बराबर, क्लियर है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। समझेगी बात। अब आगे क्या बोल रहा है, अब आगे बोल रहा है जो लास्ट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना, कई बच्चे इस तरह से भी करते हैं। यहां पे ये पॉइंट ध्यान रखना, डू नॉट चेंज द फार्मूला ऑफ सब्सटेंस वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। फार्मूला चेंज नहीं करना आपने, फार्मूले के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। जैसे सपोज यही इक्वेशन हम देख लें, इसी को देखें कि किसी ने, हमें इक्वेशन दे रखी है आपका ZnSol+HCl, इसको क्या करा भाई, इस तरह से दे रखा आपका ZnCl2 और H2। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये जो केमिकल इक्वेशन है, इसके फार्मूलों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। आपने जब बैलेंसिंग करनी है तो आपने ये स्टोकियोमेट्री कोफिशियंट यूज करना। क्या करना है, स्टोकियोमेट्री कोफिशियंट यूज करना। अब इस तरह से बैलेंस नहीं करना भाई, इस साइड एक है और यहाँ पे ये है, ये इसको हटा दिया तुमने, इसको भी हटा दिया तुमने, और हो गया भाई काम, ये बैलेंस हो गया। क्योंकि इस साइड भी जिंक एक है, इस साइड भी एक है, Cl एक है, Cl एक है, H एक है, H एक है। तो ये गलत तरीका है, ये इक्वेशन गलत हो गया। समझेगी बात। या जैसे किसी ने करा, आपको पूछा है Mg+O2, दिस गिव्स यू MgO, और आप उसको करने लग जाए, ये फार्मूले के छेड़छाड़ कर दी, यहां दो हटा दिया, भाई होगी बैलेंस, तो ये भी गलत है। समझाएगी बात। आपने इसको बैलेंस करना पड़ेगा। आप हमेशा क्या, इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम, नंबर जो यहाँ लिखा जाएगा उसको बोलते हैं हम स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो आप नंबर आगे लिख सकते हैं, क्लियर है ना, कि हम इसको ऐसे करेंगे। तो हम अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और हम उनको हम बैलेंस करने की, आपको बैलेंस करेंगे, जिससे आपको बिल्कुल आसानी से वो कंसेप्ट समझा जाए, ठीक है। इसके दो तीन मेथड हम सीखेंगे, दो तीन इक्वेशन हम इसमें करेंगे। जैसे हमारे पास, हमने पहली इक्वेशन ली, जैसे जो अभी हमने करा था मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ही ले लें, मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन O2, ये हमें पता है क्या देता है आपके पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट, वो हमें पता है, ठीक है। तो तुमने पहले तो वो स्टेप फॉलो करना है, अगर एग्जाम में पूछा है पहले वर्ड इक्वेशन, फिर उसके सिंबल देने हैं, फिर उसके बाद नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड वो इक्वल करने हैं,
बाई यूजिंग सुटेबल मेथड, जो भी आपको इनमें से समझे। ठीक है, अब यहां पे MgO2, यहां पे देखो O कितना है, दो, यहां पे दो बन गया, ये बिल्कुल आसान है, यहां पे दो है, पर इसको दो लिखने से यार Mg भी कितना हो गया है, दो। तो यहां पे अब जाके ये बैलेंस, इस साइड भी दो Mg हैं, ऑक्सीजन कितने हैं दो, और प्रोडक्ट साइड Mg भी कितने हैं दो, और ऑक्सीजन भी कितने हैं, तो ये क्या हो रहे हैं भाई, बैलेंस। तो ये इक्वेशन भी क्या है, बैलेंस। क्लियर है? कई बार तुम्हें पूछा जाता है, कई बार क्या होता है, पूछा जाएगा कि जो केमिकल इक्वेशन है वो दे रखी है कि कंप्लीट द इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन है इसको कंप्लीट करना, इक्वेशन है इसको कंप्लीट करना। आप कैसे कंप्लीट करोगे इस इक्वेशन को, कैसे करोगे? देखो बिल्कुल आसान, दो स्टेप में तुम्हें बता रहा हूं, दो स्टेप में बता रहा हूं इसके इक्वेशन को। एक तो वो तरीका है इसको बैलेंस करने का, अगर इस तरह से अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट ही दे रखे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, समझाएगी बात, प्रोडक्ट क्या बनेगा, उस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते। तो ये कंसेप्ट आपने सीखना है, ये बहुत आगे तक काम आएगा, जब तक केमिस्ट्री आपके हाथ में तो ये कंसेप्ट चलता जाएगा और बहुत आसान। इसमें मैग्नीशियम है आपके पास, क्या है, मैग्नीशियम, हमें नहीं पता क्या बनना, हमने देखना है इसको कि कंबाइन कैसे करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, और आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो बैलेंस ही आएगा, उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, वो बैलेंस ही आएगा। इसको सॉल्व करना है, इसको समझना, ये जब ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा। ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं, याद नहीं करना कि प्रोडक्ट क्या बनता। इसमें क्या हुआ आपके पास, मैग्नीशियम क्या एक मेटल है, और मेटल हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल का नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो मेटल क्या करेगी, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी मैग्नीशियम, क्यों छोड़ेगी, क्योंकि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 12, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, जैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 282, मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यही है ना, 282। अब ये अगर दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है 28, वो देखना होता है ना, 288, 1818, 32, इस तरह से ये चलता है, ठीक है, एंड सो ऑन। जब मैग्नीशियम अपना दो इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो क्या, उसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो ये ध्यान रखना कि मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मींस दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। तो यहां से अब ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का, 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है ना, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 6, यानी कि यहाँ पे 8 होने के लिए इसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है और तभी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या है, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। तो ऑक्सीजन क्या करता है भाई, ये नॉन मेटल है और नॉन मेटल के होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मींस दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दो इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर सबको पता है ना क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसको बोलेंगे हम एटॉमिक नंबर। तो ऑक्सीजन कितना, एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक ऑक्सीजन ले रहा है हमारे पास भाई दो इलेक्ट्रॉन, तो यहां दो ऑक्सीजन है
ये एटॉमिक नंबर लिखा मैंने यहां पे, जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो दो ऑक्सीजन है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, चार। जो दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन तो ले रहा है, दो इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन के एटम है ओ, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, मैं एटॉमिक ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, एक एटॉमिक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो दो एटॉमिक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन करेंगे, फोर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, और वो क्या बना देंगे, ओ टू नेगेटिव। क्लियर है, क्या बनेगा, ओ टू नेगेटिव। क्लियर है, आप देखो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड, ये समझ आ गया ना तुम, और वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही देखना है, यहां पे भी कोई नया एटम नहीं बना ना तो कोई एटम डिस्ट्रॉय हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन को, यानी कि इलेक्ट्रॉन देखने आपने, मैं आसान तरीका से बता देता हूँ, इसमें तो दो इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए कितने, चार, और देगा कौन, मैग्नीशियम ही देगा, तो एक मैग्नीशियम तो दो ही छोड़ेगा, इसलिए मैग्नीशियम दो होने चाहिए, या चार इलेक्ट्रॉन करने के लिए हमें इसको सीधा आपने दो से गुणा कर दिया, दो से क्या करा इसको मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरी इक्वेशन होगी एम जी से लेके यहां तक, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड होगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे देखो इसको बिल्कुल आसान, ये क्या हो गया, एम जी कितने हो गए, टू, टू एम जी, क्लियर है, एम जी कितने हो रहे हैं, दो। अब ऑक्सीजन कितना है, ओ टू, एक ही है ना, इसको आप गुणा करने की जरूरत नहीं है, अब ये इलेक्ट्रॉन, फोर इलेक्ट्रॉन, यहां भी कितने हैं, फोर इलेक्ट्रॉन, टू टू जा फोर, फोर इलेक्ट्रॉन, अब इसने क्या दिया हमारे पास, अब आपने ये चार्ज देखना है, इस चार्ज को देखो और इसको देखो, जब ये एनजी मेटल आयन, जिसको हम कैटाइन बोल रहे हैं, ये एनाइन है, इनके चार्जेस देखने हैं आपने, इसका चार्ज टू पॉजिटिव है, इसका टू नेगेटिव, अब जब ये टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव ये जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सम क्या आएगा, जीरो, तो जीरो आएगा तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये न्यूट्रल बनेगा, न्यूट्रल बनेगा तो वो कंपाउंड जो बनेगा वो स्टेबल होगा, तो यहां पे एम जी के साथ दो पॉजिटिव है ना, और ये दो नेगेटिव है, ओ एक ही जुड़ जाएगा, क्लियर है, एक ही जुड़ेगा, एक एक यूनिट जुड़ेगी तभी वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब यहां देखो एम जी कितने थे, दो, और ऑक्सीजन भी कितने हैं, दो, तो इस दो को हम आगे लिखेंगे टू, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बना, और ये एक बैलेंस इक्वेशन आ गई हमारे पास, क्लियर है, इस तरह से भी तुम केमिकल इक्वेशन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है और उसको बैलेंस कैसे, बैलेंस फॉर्म जो आएगी वो इस तरह से आ गई। अब हम और एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपके ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होता है, ठीक है, जैसे हम एक और एग्जाम्पल लें कि हमारे पास आयरन है, आयरन को जब हम H2O, ये स्टीम है, क्या है ये स्टीम, इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या दे रहा है आपके पास, Fe2O3 प्लस H2 हाइड्रोजन, तो इस इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है, पहले वाला जो कंसेप्ट बताया मैंने तुम्हें, आपने क्या देखा भाई, सबसे ज्यादा स्पीसीज जो देखनी है हमने, जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हो, समझा रही बात, ऐसा प्रोडक्ट देखना जिसमें सबसे ज्यादा एटम हो, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड, Fe2O3 इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, तो अब हमने देखना है यहाँ Fe कितना है, साइड दो, इस साइड कितना था एक, तो दो लिख दिया मैंने, आयरन, आयरन दो हो गया, सिंपल ऑक्सीजन कितना है, तीन, इस साइड कितना है, एक ही है ना, तो इसको तीन कर दिया, अब यहाँ तीन लिखने से जो हाइड्रोजन है वो कितनी होगी, थ्री टू जा सिक्स, कितने हो गए, सिक्स, तो यहां पे हम
सिक्स करने के लिए यहां से इसको 3 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 6। इक्वेशन बैलेंस हो, क्लियर है। अब एक एग्जांपल और ले लो, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास फास्फोरस पेंटा क्लोराइड है, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, जब हम इसको H2O के साथ कंबाइन करते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ, तो आपको ये क्या दे रही है, फास्फोरिक एसिड H3PO4 प्लस प्लस HCl, क्या देगा HCl। अब इसको आप दो तरह से देख सकते हैं, या तो ऐसी स्पीशीज हमने छांटनी है, ऐसी स्पीशीज हमने ढूंढनी है, फाइंड आउट करनी है विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ठीक है। जैसे PCl5 ले लो आप, पहले रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड से, बार बार नहीं ले रहे हम, प्रोडक्ट साइड से भी ले सकते हैं इसमें। यहां पे कितने हैं भाई, यहां पे ज्यादा है ना, H3 ऑक्सीजन के 4, 7 हो गए, एक पी का 8, तो इस साइड को कितने हैं, 6 हैं। इससे भी हम करके देखेंगे, फिर उससे करके देखेंगे बैलेंस। तो यहां पे कितना है, PCl5, क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे, 5, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, हो गया भाई 5 क्लोरीन। अब हम क्या करेंगे, H3PO4 इसको लेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 4, यहाँ पे कितना है, 1, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 4 2 8 हाइड्रोजन हो गए, यहां देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 प्लस 5 कितने हो गए, 8, तो इक्वेशन बैलेंस, समझ आएगी बात। पर अगर आपने इससे करते हम इसको, जैसे सपोज हम इसको दूसरे से करते, PCl5 प्रोडक्ट जिसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है उससे करते, तो बहुत आसानी से हो जाता है ये H2O, यहाँ 4 नहीं है, सपोज इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, PCl5 फास्फोरस पेंटा क्लोराइड है, इट कंबाइन विद वाटर एंड दिस गिव्स यू H3PO4 फास्फोरिक एसिड प्लस दे रहा है आपके पास HCl। तो अगर हम इसको लें बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि क्या बताया मैंने, हमने वो मॉलिक्यूल सेलेक्ट करना है, वो सब्सटेंस सेलेक्ट करना है विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, चाहे वो रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट है आपके यहाँ, चाहे वो प्रोडक्ट साइड प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर इसमें है, तो ऑक्सीजन कितना है इसमें, ऑक्सीजन 4, 4 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ जो वी कैन से क्लोरीन है, सीएल है, वो कितना है, 5। अब यहाँ पे ये बैलेंस हो चुका है, तो ये बैलेंसिंग का इक्वेशन इस तरह से चुका। हम कुछ रिएक्शन, एक दो दो तीन रिएक्शन और करेंगे, रिएक्शन बिटवीन जो आपके एनसीईआरटी में है, रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फाइड, इसमें बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट के बीच में कैसे रिएक्शन, तो वर्ड इक्वेशन लिख सकते हो तुम, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट वो क्या देगा, उसकी बैलेंस इक्वेशन क्या होगी। तो बेरियम क्लोराइड BaCl और यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट। अब इसमें क्या देना है तुम्हें, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए तुम्हें कि गिव द बैलेंस इक्वेशंस एंड प्रोडक्ट व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, समझ आई बात, गिव द प्रोडक्ट एंड बैलेंस इक्वेशंस व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसको हम इस इक्वेशन को
इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। बैलेंसिंग तो हो ही जाएगी साथ में, यहाँ पे इसको इसको भी करेगी सिंपल तरीके से, पर अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने कैसे करना। ये दोनों ही आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है तो जो BaCl2 है, एक्वस लिख दिया मैंने इसको, ये टूटेगा किस में, Ba2 पॉजिटिव, और क्लोराइड जो है वो इसमें क्लोराइड बन जाएगा Cl, कितने हैं दो, ये भी एक्वस ये भी एक्वस, ठीक है। हमारे पास प्रोडक्ट भी बन के आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनना है और एक बैलेंस फॉर्म में भी आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट अगर किसी बच्चे की समझ में आ गया तो वो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकता है, मैक्सिमम इक्वेशन वो बैलेंस कर देगा इसी मेथड। अब यहां पे जो Al2SO4 प्राइस है, तो एल्यूमिनियम पता है ना एटॉमिक नंबर का, तो मैं याद करता है, बट एल्यूमिनियम का 13 होता है 13, वो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही वो स्टेबल हो जाएगा, 2 8 उसकी जो Al3 पॉजिटिव की कंफिग्रेशन बने, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, पर यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं भाई, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं छुड़ाने, हमने इसको हमने ब्रेक ही करना है, क्या करना है इसको ब्रेक। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया SO4 कितने हैं, SO4 ये 2Al है और SO4 ये आयनिक फॉर्म में ऑलरेडी, इसलिए मैं हम यहाँ हम इलेक्ट्रॉन नहीं लिखूंगा। SO4 कितने हैं, 3, 2 नेगेटिव, तो चार्ज बराबर है ना, 6 पॉजिटिव था, अब ये 6 नेगेटिव, इसको हमने डिसोसिएट कर दिया, टूट गया ये। अब कैसे रिएक्ट करेगा, ऊपर वाले का नीचे वाले के पॉजिटिव नेगेटिव वैसे क्रॉस, इसको हमने जोड़ना है। अब यहां पे देखो हमें प्रोडक्ट का भी पता चल जाएगा और बैलेंस भी हो जाएगी, रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा उस चीज का भी हमें पता चलेगा और ये बैलेंस भी हो जाएगी। जैसे देखो यहां पे पहले चार्ज देखो, यहां पे कितना है भाई, 2 पॉजिटिव, यहां पे 2 नेगेटिव है, पर यहां पे कितने हो गई है, 6, कितने हैं 6 हो गया टोटल, 6 नेगेटिव, 3 2 6 नेगेटिव, यहां पे कितना है, 2 पॉजिटिव है, तो हमें इस इक्वेशन को 3 से गुणा करनी पड़ेगी, कर दी भाई 3 से गुणा, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 6। अब यहां पे ये भी कितना हो रहा है, बराबर हो गया, यहां पे 3 2 6 पॉजिटिव, यहां पे 3 2 6 नेगेटिव, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, यानी कि इस इक्वेशन को हमने क्या करा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, उस 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, 3 BaCl2 प्लस Al2SO4 राइट, दिस गिव्स यू Al2SO4 राइट, दिस गिव्स यू, ये जो Ba है इसको मैंने यहां लिख दिया Ba, ये पॉजिटिव 2 यूनिट है, इसमें भी 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव है, इसमें 2 पॉजिटिव है, तो ये एक एक ही जुड़ेगा BaSO4, इसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, और ये एल्यूमिनियम है प्लस एल्यूमिनियम इसके साथ कितना है भाई, ये एक नेगेटिव है ना, यहाँ 3 पॉजिटिव है, तो जो क्लोराइड है वो 3 जुड़ गए, क्या बन जाएगा AlCl2। अब इसको हम देखेंगे यहाँ पे कितना है Al2, तो ये क्लोरीन 6 हो गया हमारे पास, और यहाँ पे Ba कितना था, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, क्लियर है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस भी होगी और हमारे पास रिजल्ट भी आ गया कि ये प्रोडक्ट बनेगा जब बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कंबाइन।
पसीने निकल रहे हैं। मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस, लेस यू ब्लीड इन वार। रिमेंबर दिस वर्ड, मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस, लेस यू ब्लीड इन वार। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना पसीना आप प्रैक्टिस में बहाओगे, उतने जल्दी आप सफलता के नजदीक पहुंचे, उतने ज्यादा चांस आपके सफल होने के। अगर पसीना नहीं बहाओगे तो आपका सफलता के चांस कम हो। समझाएगी बात? तो इस कोड को ध्यान में रखना है, आपको मेहनत करते जाना है मेरे साथ, पसीना बहाना है अपना भी, ठीक है, जिससे कि आपकी सफलता, आपकी अपना जो गोल है, आपका डिजायर गोल है, उसको आप अचीव कर लो। उससे आपकी माँ बाप का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाए, वो सोसाइटी में, समाज में अपनी गर्दन उठा के चलेंगे। अगर आप में से एक बच्चे का भी सिलेक्शन IIT या नीट में हो गया तो आपके पेरेंट्स उस मोमेंट को देखना, आप उस मोमेंट में आपके पेरेंट्स के जो हाव भाव है, उनकी चाल ढाल है, उनका लहजा है, वो सारी चीजें बदल चुकी। अगर आपकी मेहनत से अपने पेरेंट्स को खुशी दे पाएंगे तो वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी कामयाबी है। बच्चों मेहनत करो, पसीना बहाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और अपना डिजायर गोल अचीव करो। आप देखेंगे कि जिस दिन आपने अपना गोल अचीव कर दिया, आपके माँ बाप की उम्र कम से कम 10 साल और बढ़ेगी। आप अपने माँ बाप के लिए इतना तो कर ही सकते। तो लेट्स स्टार्ट विद वन मोर एग्जाम्पल। इसको एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि जैसे हमारे पास सोल्स, कोई भी मेटल है, सोडियम है। सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाएगी? क्वेश्चन हम मैं इसको अब अलग तरह से करवा रहा हूं, वो समझ आ गया आपको बैलेंस कैसे करना है उसको, नंबरों का था। मैं हाँ एक और मेथड बता रहा हूं कि तुम्हें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जब सोडियम सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो कौन सा प्रोडक्ट बनाता है और गिव द बैलेंस इक्वेशन। समझाएगी बात? कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि वहां पे क्या बनेगा, कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है, वो आपने कैसे करना है ये ध्यान रखना है आपने, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। बिल्कुल आसान है ये, पजलिंग कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेटल और नॉन मेटल का खेल है। जो मेटल होती हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होती हैं। दे हैव मेटल हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। ये चीज अभी दिमाग में बिठा दो कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देंगी और जो नॉन मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन लेंगी। और साथ में आपने 20 जो एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक नंबर याद कर ले और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आप देखेंगे कि आप ये जो बैलेंसिंग है या फॉर्मेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन है उसको आप सीख लो, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें। तो यहाँ पे देख लो, जैसे सोडियम उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। 11 है तो उसकी सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना बोला मैंने भाई, 11। एटॉमिक नंबर क्या बताया मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 281। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, 8 रहेंगे, ये स्टेबल हो जाएगी। तो सोडियम मेटल है तो मेटल है वो क्या करेगा, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इसका कैटाइन बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी उसका क्या बनता है, कैटाइन। अब
ऑक्सीजन है हमारे पास। ऑक्सीजन मैंने अभी हमने करा कि ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल होती है और इसकी टेंडेंसी क्या है, एक एटम की दो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, टू एटम है ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो एक है पर एटम कितने हैं, दो। तो एक कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, टू, और दो कितने ले रहे हैं, फोर इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या दे रहे हैं तुम्हें, फोर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये क्या बनेगा, टू नेगेटिव। जैसे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एट, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुई, टू सिक्स। तो ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, दो इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, यानी कि ओ टू नेगेटिव बनेगा ना इलेक्ट्रॉन लेके, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी टू एट बन जाएगी, तो ये स्टेबल हो जाएगा इस तरह में, ठीक है, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे दो एटम है तो इसका क्या बन गया, टू ओ टू नेगेटिव, और कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, फोर। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोल रहा है कि कोई बाहर से कुछ नहीं आया है, ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर से नहीं आए, ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर से नहीं है, वो सोडियम नहीं दिए। तो एक सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो चार इलेक्ट्रॉन कितने सोडियम देंगे, चार, इसलिए हमें फर्स्ट इक्वेशन को फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब फोर से मल्टीप्लाई करा इसको, अब हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एन ए पूरी इक्वेशन को गुना है, फोर एन ए पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई है, फोर एन ए प्लस ओ टू। अब यहां पे देखो, यहां पे आपने देखना है ये जो फोर इलेक्ट्रॉन है और ये भी कितने, फोर इलेक्ट्रॉन, ऐसे क्रॉस में ये कट जाते हैं, तो कितना हो गया, ये कट गया इलेक्ट्रॉन, फोर इलेक्ट्रॉन से फोर इलेक्ट्रॉन कट गए। दिस गिव्स यू, अब एन ए के पास कितना चार्ज है, एक, और उसके पास कितना है, दो नेगेटिव, तो एन ए कितने जुड़ने चाहिए, दो, तभी ये न्यूट्रल बनेगा एन ए टू ओ। इस ओ टू नेगेटिव के साथ दो एन ए जुड़ेंगे, जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, तो एन ए पॉजिटिव, अगर ये एक जुड़ रहा है तो इसका एक नेगेटिव रह रहा है, एक नेगेटिव बढ़ रहा है ना अभी, तो इसका मतलब न्यूट्रल होने के लिए एक एन ए और चाहिए, तो एन ए टू ओ, ऐसे ये जुड़ रहा है और ये न्यूट्रल स्पीसीज बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको बैलेंस करना है, एन ए तो कितने थे हमारे पास, फोर, तो यहाँ पे दो हैं तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया आपके पास, बैलेंस इक्वेशन। तो ये क्या दे रहा है, एन ए प्लस ओ टू, दिस गिव्स यू एन ए टू ओ, और बैलेंस करें इसको हम, और यहाँ पे फोर एन। तो इस मेथड से आपको ये पता चल रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनना है, और वो बैलेंस ही बनता है, इससे हम बैलेंस कर सकते हैं आसानी से। तो बच्चों बैलेंसिंग हम इस तरह से करते हैं, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से ऐप के थ्रू आप अपना क्वेश्चंस, अपने डाउट्स भेज सकते हैं, फोन पे भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, और आपके डाउट 100% वाइज एकेडमी की फैकल्टी दूर करेगी। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, जो फिजिकल स्टेट है केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनता है उसकी हमें फिजिकल स्टेट भी लिखनी पड़ती है। तो जैसे यहाँ पे अगर सॉलिड होगा तो उसके लिए क्या लिखना है, सॉलिड, जैसे था हमारे पास Mg था, वो सॉलिड था, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या थी, उसको जी लिख दो, ऐसे गैस, गैस नहीं लिखनी तो आप एरो भी लगा सकते, दिस गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। पाउडर है तो इसको हम भी सॉलिड लिखेंगे, पाउडर फॉर्म में ऐश बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल सॉलिड एस के लिए, अगर कोई लिक्विड है, लिक्विड जैसे H2O हमने यूज करा तो लिक्विड लिखेंगे, प्योर है तो उसमें सॉल्यूट नहीं होना चाहिए। एल्कोहल लिया है हमने,
एल्कोहल भी लिक्विड है पर उसमें सर क्या कोई सॉल्यूट नहीं होना चाहिए। बेंजीन है प्योर होगी तो क्या लिखना है उसको, लिक्विड लिख सकते। ठीक है, गैस के लिए जी या एरो। फॉर एक्वस सॉल्यूशन ए क्यू, जैसे एक्वस सॉल्यूशन क्या बोलेंगे हम, जैसे NaCl है नमक है उसको हमने पानी में घोल दिया तो इसको क्या लिखेंगे हम, एक्वस। इसमें सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, वाटर, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्वस सॉल्यूशन। समझ आएगी बात, जिसमें सॉल्वेंट वाटर नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो है पर कैसा है, नॉन एक्वस, जिसमें पानी एज ए सॉल्वेंट काम ना करे उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन एक्वस, और जिसमें पानी सॉल्वेंट का काम करे उसको क्या बोलेंगे हम, एक्वस। ठीक है, जो अगला है हमारे पास, गैस जो प्रोड्यूस होती है रिएक्शन में उसको हम एरो से भी लिख सकते हैं, अगर प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कैसे भाई, एरो इन्वर्टेड नीचे की तरफ एरो लगाएंगे। जैसे एग्जांपल आपने रिएक्शन करी थी ना, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, येलो प्रेसिपिटेट बने थे इसमें और साथ में क्या डाला था हमने, पोटेशियम। अभी हमने इसको एक सिंबलिक पूरे लिखना है, इसमें हम आपने देखा था इसका एक्वा सोल्यूशन बनाया था हमने, या इसको हम इस अच्छे से लिखें, लेड नाइट्रेट PbNO3, इसको अगर हम लिखें तो ये एक्वस है प्लस पोटासियम आयोडाइड, ये भी क्या था, एक्वस। जब इसने क्या करा, ये रिएक्ट करा था तो क्या बना था, PbI2 लेड आयोडाइड, तो इसके क्या बने, प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट थे, उसको आप इन्वर्टेड एरो से ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ में क्या बना, यहाँ प्रेसिपिटेट लिख सकते हो, साथ में क्या बना है, पोटासियम के नाइट्रेट KNO3, ये एक्वस बना है, इसमें ए क्यू लिख सकते। ठीक है, तो ये जो है एक तरह की कंप्लीट फिजिकल स्टेट हमने लिख ली कि किसमें हमने क्या क्या लिखा, तो हमने फिजिकल स्टेट इस तरह से लिख। ठीक है, समझ आ गया, ये फिजिकल स्टेट अगर हम किसी एलिमेंट की लिखते हैं, ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेटिव, थोड़ी और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है। इसमें हमें पता चल रहा है कि जो लेड नाइट्रेट है उसका एक्वस सोल्यूशन मीन्स पानी में लेड नाइट्रेट को घोल रखा है, और यहाँ पे पोटासियम आयोडाइड को एक्वस ना पानी में घोल रखा है, ये दोनों ही कलरलेस थे और ये येलो प्रेसिपिटेट बने थे इससे, और KNO3 एक्वस बन गए। तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिली है कुछ रिएक्शंस के बारे में, सॉरी रिएक्टिंग स्पीसीज के बारे में, कि कौन कौन सी रिएक्टिंग स्पीसीज है, उनका नेचर समझाइएगा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़े, अगला टॉपिक है हमारे पास, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। केमिकल इक्वेशंस को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करना है। एक तो बच्चों अभी हमने जो फिजिकल स्टेट करी, मैंने बोला ना फिजिकल स्टेट जो है रिएक्टिंग स्पीसीज की वो इंफॉर्मेशन ऐड कर, तो क्या बोला है इसने, केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव बाई इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर उसमें हम फिजिकल स्टेट लिखें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की तो ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, जैसे वहां पे हमने अभी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्राइड का कर। सेकेंड, इंडिकेटिंग हीट चेंज इन रिएक्शन, क्या है, इंडिकेटिंग हीट चेंज इन रिएक्शन। जैसे हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, हीट चेंज का मतलब हो गया कुछ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी कुछ एंडोथर्मिक होगी। इसका एग्जांपल हमारे पास, जैसे मैंने क्या करा, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा तो इसने क्या दिया आपके पास, CO2, ये जलेगा तो CO2 दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हीट निकली, CO2 निकली, जो इसमें हीट निकली है
393 5 किलो जूल। तो ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक होगी। कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। हमने अभी फिजिकल स्टेट भी लिखे नहीं है। यहाँ पे ये गैस है CO2, या जी लिख दो। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। और ये कार्बन क्या था? सॉलिड। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव होगी। इससे हमें क्या पता चला कि जब कार्बन सॉलिड को ऑक्सीजन गैस से जलाते हैं, ऑक्सीजन गैस की हेल्प से जलाते हैं, तो वहां पे CO2 गैस इवोल्व होगी। गैस का निशान है। और साथ में कितनी हीट निकली? 393.5 किलो जूल ऑफ हीट जो वो रिलीज हुई है इस रिएक्शन से। तो ये रिएक्शन क्या हुई? एक्सोथर्मिक। अब जैसे एक और एग्जांपल लें, जरूरी नहीं है कि वो निकले, ऑब्जर्व भी तो हो सकता है। जैसे हमारे पास N2 गैस है, गैस के लिए एरो, या जी O2 गैस, ठीक है। इसने क्या दिया आपके पास? इसने बनाया आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड NO, ठीक है। अब यहां पे जो हीट निकली वो कितनी है? 180 किलो जूल। ये हीट जो है वो कम निकली, इतनी कम निकली है हीट यहां से। तो इसका मतलब इतनी हीट जो हीट है वो कम निकली है। तो ये रिएक्शन क्या होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। समझ आई बात? ये रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक। इसने हीट ऑब्जर्व करी तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक। कैसी है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का रिएक्शन का एग्जाम्पल और भी आप दे सकते हैं, जैसे डिजोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। जब आप NaCl को पानी में घोलते हैं तो वो रिएक्शन भी क्या है? जो टेबल साल्ट है या जो नमक हम घर में खाते हैं उसको अगर पानी में घोल रहे हैं तो वो रिएक्शन भी एंडोथर्मिक होगी। वहां पानी का जो टेम्परेचर है उसमें स्लाइट डिक्रीज आ जाती है जब नमक घोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? एंडोथर्मिक। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है हमारे पास? इंडिकेटिंग, देखो यहां पे इंडिकेटिंग द रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन को भी हम इंडिकेट कर सकते। जैसे हम एग्जांपल लें, हमारे पास रिएक्शन कंडीशन की बात कर रहा है ये। जैसे हमारे पास कुछ रिएक्शन है, जैसे हमारे पास N2+ वी कैन से H2। यहां पे हमने क्या करा? ये जो रिएक्शन है सपोज, ये रिएक्शन हमारी 500 डिग्री C के ऊपर चलती है और 200 atm प्रेशर के ऊपर ये रिएक्शन चल रही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये हम इंडिकेट करेंगे, इंडिकेटिंग द रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन इंडिकेट हो रही है ये रिएक्शन जो है वो 500 डिग्री C के ऊपर प्रोसीड करेगी और 200 atm प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ये प्रोसीड करेगी आगे। देख तब ये प्रोडक्ट बनाएगी। ये प्रोडक्ट क्या बनाएगी? NH3 अमोनिया, ठीक है। तो ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस, ठीक है। और यहां पे कैटालिस्ट भी यूज हो रहा है। आयरन कैसे काम कर रहा है? कैटालिस्ट, कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट क्या होगा? ये ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस और लास्ट में ये दोबारा सेम कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन इसकी सेम रहेगी, लास्ट में दोबारा बन के बाहर निकल आता है। इसमें थोड़ी सी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, जैसे चेंज इन कलर, पर केमिकल कंपोजिशन में इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैटलिस्ट क्या हुआ? ऐसा केमिकल सब्सटेंस विच एनहांस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, पर लास्ट में जाके एट द लास्ट ये दोबारा जो है वो ऑब्टेन हो जाता है विद स्लाइट चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, बट केमिकल प्रॉपर्टी जो है इस कैटालिस्ट की वो अनचेंज ही रही। समझेगी बात?
तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी ना। चलो इससे और इजी, जो तुम्हें याद रहे इससे और इजी हम करें। जैसे हमारे पास ये आप सबको पता है ना फोटोसिंथेसिस का, CO2 गैस है, ये हम फिजिकल स्टेट भी लिख रहे हैं, H2O लिक्विड ले लिया मैंने इसमें, H2O है वाटर लिक्विड। और इसने क्या दिया आपके पास, C6H12O6 प्लस H2O+O2, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। यहाँ पे लिखा मैंने 12H2O, बैलेंस कर रहा हूँ मैं इसको, 6O2 यहाँ पे, 6H2O 6O2, समझा रही बात। यहाँ पे 12H2O है, इस चीज का ध्यान रखो। तो ये जो है ये सॉलिड बनेगा और ये लिक्विड ही है और ये गैस। तो जो फोटोसिंथेसिस होती है ये किसकी प्रेजेंस में होती है, अभी यहाँ पे हमें इसको और इंफॉर्मेटिव बनाना है। यहाँ पे सनलाइट लिख सकते हो तुम, और यहाँ पे क्लोरोफिल, क्या लिखना है, क्लोरोफिल। तो ये इक्वेशन जो है वो ज्यादा ये भी इंफॉर्मेटिव है। हमने इसमें जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास जिसको आपने ध्यान से देखना है वो क्या है, इंडिकेटिंग द रिएक्शन कंडीशन। क्या है भाई, इंडिकेटिंग द रिएक्शन कंडीशन। तो यहाँ हम रिएक्शन कंडीशन इंडिकेट कर रहे हैं, रिएक्शन कैसे ये प्रोसीड करे, CO2 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल, इसने क्या दिया C6H12O6 ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, साथ में 6H2O मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास मिल गई। नेक्स्ट अब टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंफॉर्मेशन कन्वेड बाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या है हमारे पास, इंफॉर्मेशन कन्वेड बाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बिल्कुल आसान है, जितना भी हमने अभी पढ़ा उसी के बारे में यहाँ पे इसको कंपाइल किया गया है। ये 3 पॉइंट आपके, 4 पॉइंट ध्यान रखना। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा है, अ केमिकल इक्वेशन विल टेल यू द फार्मूलाज एंड सिंबल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्लियर है, समझ आ गई ना स्टेटमेंट। जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या आपको बताती है, वो फार्मूला और सिंबल बताती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। दूसरा क्लियर है ये, दूसरा केमिकल इक्वेशन कैन शो द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, बताती है सॉलिड है लिक्विड है गैस है एक्वस है या प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, क्या बन रहा है वो आपको सारी चीजें बताती है। अ केमिकल इक्वेशन कैन शो इफ अ स्पेशल कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शंस टू टेक प्लेस सच एज एडिंग हीट और यूजिंग कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट की भी हमने कर ली और हीट की भी बात कर ली, समझा गई बात। अब लास्ट, एंड इफ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, अगर इक्वेशन बैलेंस्ड है द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का ना जो हम आगे लिख रहे थे, जो रिएक्टेंट क्या क्या लिख रहे, 2, 3, 4 जो भी लिख रहे हैं उसकी बात। ठीक है, एंड इफ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड द कोफिशिएंट नंबर इन द इक्वेशन सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो क्या कर रही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रही है और फार्मूला यूनिट भी बता रही है और एटम्स ऑफ द स्पीसीज इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस। द कोफिशिएंट आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें देती है। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा वही यहाँ पे पॉइंट लिखे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास, इंफॉर्मेशन नॉट कन्वेड बाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको ये कन्वे नहीं होता, समझाइएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो पहला जो पॉइंट बोल रहा है कि जो केमिकल इक्वेशन है हमारे पास वो हमें फिजिबिलिटी केमिकल रिएक्शन की फिजिबिलिटी
नहीं बताई थी कि केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ कि हमने लिया, हमने कॉपर प्लस H2SO4, कॉपर प्लस H2SO4, ये सॉलिड है और ये एक्वस है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट लिख दिया मैंने इसको। मतलब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, ये क्या है, इसमें वाटर में H2SO4 कम अमाउंट में, इसको क्या बोलेंगे हम, डाइल्यूट। इसकी कंसंट्रेशन H2SO4 की वाटर में कम है तो डाइल्यूट है। अगर ये इक्वेशन मैंने ऐसे लिख दी है, CuSO4 प्लस H2, ऐसे लिख दिया हमारे पास, ये गैस है और ये एक्वस बना है, हमें क्या लग रहा है कि ये इक्वेशन फिजिबल है, ये हो चुकी है। ठीक है ना, ये इक्वेशन हमें कैसे लग रही है भाई, हो रही है, ये इक्वेशन तो देख दिया, हमें क्या बताओ इतना अभी, और यहाँ इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास ये हो चुकी है। पर मैं तुम्हें बता दूं कि कॉपर में, जो कॉपर है उसमें इतना दम नहीं है, उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो H2SO4 से हाइड्रोजन रिलीज करवा दे, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। तो ये फिजिबिलिटी नहीं बताती हमें केमिकल इक्वेशन। ठीक है, दूसरा क्या नहीं बताती, ये हमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस नहीं बताती कि किस स्पीड के साथ, किस रेट के साथ केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हुई है, वो इंफॉर्मेशन भी हमें नहीं मिलती। जैसे केमिकल रिएक्शन तीन तरह की होती हैं हमारे पास रेट के हिसाब से, कुछ रिएक्शन जो इंस्टेंटेनियस होती है, इंस्टेंटेनियस का मतलब एकदम हो जाना, विद फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, विद फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड तो मैंने जब बता दिया, विद नो टाइम, एकदम होना, ठीक है, इंस्टेंट होना, रिएक्शन इंस्टेंट हो जाती है, तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती है। कुछ रिएक्शन जो है बिल्कुल स्लो रेट के साथ चलती है, जैसे ऑक्सीडेशन आयरन का हो रहा है, जंग लग रहा है तो वो बिल्कुल स्लो लग रहा है, एक आयरन नेल है आज उसमें जंग लगने शुरू हो गया, हो सकता है कि 1 साल बाद वो रिएक्शन चलती रहे और वो 1 साल के बाद वो कंप्लीट जो आयरन नेल है वो रस्ट में कन्वर्ट हो, 1 साल से ज्यादा भी हो सके, तो वो ऐसी रिएक्शन स्लो रेट के साथ भी चलती है। ठीक है, और कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो मॉडरेट स्पीड के साथ चलती है। ठीक है, मॉडरेट स्पीड के साथ, और जो रिएक्शन इंस्टेंटेनियस होती हैं या बिल्कुल स्लो चलती हैं उनका भी हम रेट नहीं निकाल सकते, हम रेट ऑफ रिएक्शन उन्हीं केमिकल रिएक्शंस का निकाल सकते हैं जो मॉडरेट स्पीड के साथ चले। तो बच्चों ये लास्ट टॉपिक था इसका, और मुझे पता है कि आपको समझ आ चुका होगा, समझ आ गया भाई सभी को, समझ आ चुका होगा, एक बार इसको रिवाइज करो, अगर फिर भी आपके डाउट हैं तो आप वाइज ऐप पर वो डाउट पूछ सकते हैं या मेरे साथ फोन पे इंटरेक्शन करके अपने डाउट क्लियर कर सकते। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, थैंक्स अगेन।